बिहार पुलिस ने सुशांत और दिशा सालियान आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस दिशा के घर पहुंची और दिशा सालियान ने सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही खुदकुशी की थी। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीजों की जानकारी न दिए जाने के बाद सवाल खड़े हुए। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजकर सुशांत केस में जांच में सहयोग करने को कहा। सुशांत के खातों की जांच में पुलिस को पूजा पाठ के लिए मोटी रकम निकाले जाने की जानकारी मिली। सुशांत की बहन श्वेता ने एक बार फिर पीएम मोदी से उनके भाई की मौत के मामले में दखल देने की अपील की। सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को खाने में पाउडर दिया करती थी। बिहार पुलिस के मुताबिक रिया चक्रवर्ती गायब है और अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सुशांत के पिता पर उन्हें फंसाने के लिए रुतबे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुशांत मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाया। जैसलमेर के एक होटल में रह रहे गहलोत समर्थक दो विधायकों की तबीयत बिगड़ी, जिसका इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को होटल बुलाया गया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17 लाख के पार हो गई है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 37,000 के पार हो गया है। यूपी सरकार में मंत्री कमल रानी की कोरोना की वजह से मौत हो गई, इसके बाद राजकीय शोक की घोषणा की गई। यूपी सरकार के मंत्री की मौत के वजह से सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा रद्द कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। खबर है कि राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोई भी केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा और पुष्कर से ब्रह्मा मंदिर की मिट्टी लाई गई। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन से पहले 4 अगस्त को कमलनाथ अपने घर में राम का दरबार सजाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 26 राज्य जरूरतमंदों को अनाज बांटने का काम पूरा कर पाए, लिहाजा लक्ष्य पूरा करने के 31 अगस्त तक का समय बढ़ा दिया गया। प्रियंका और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाए जाने के फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा बिना किसी को बताए एलओसी पर पहुंचे और सैनिकों की हौसला अफजाई करने की खबर। सैनिकों ने कश्मीर का भी इसमें जिक्र किया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव सुलझाने के लिए 5वीं बार आज सैन्य स्तर की बैठक होगी। तनाव कम करने की कोशिशों के बीच खबर है कि उत्तराखंड के लिपुलेख में चीन ने सैनिकों की एक बटालियन को तैनात कर दिया है। खबर है कि नेपाल अपने विवादित नक्शे को संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस विवादित नक्शे में नेपाल ने भारत की कुछ जगह को अपने हिस्से में बताया। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,75,00,000 के पार हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 6,82,000 के पार हो चुका है। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर के 27,00,000 के पार हो गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना की वजह से 2020 के आखिर तक पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के शिकार होंगे। दिल्ली के लाजपत नगर में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जल गया। दिल्ली पुलिस ने औद्योगिक जमीन दिलाने के नाम पर 8 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में नरेला इलाके में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने स्वयं सिद्ध नाम की नई महिला पेट्रोलिंग टीम बनाई है, जो पूरे शहर पर नजर रखेगी। दिल्ली में कोरोना के नए केस में कमी आने के बाद 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में कोरोना के ज्यादातर मामले यूरोप और सऊदी अरब की वजह से। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली केंद्रीय मंत्री पी मुरलीधरन ने धरना दिया। दिल्ली में ड्यूटी पर न आने की वजह से निलंबित 36 पुलिस कर्मियों को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। यूपी के कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्याकांड से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कानपुर में संजीत यादव की हत्या पर परिवार की मांग पर यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले को पलटने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,118 नए मामले सामने आए, 26 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,601 लोगों को कोरोना हुआ है, जबकि एक दिन में ही 322 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पास नोएडा के साईं मंदिर में चांदी का सिंहासन और दूसरी कीमती चीजें चोरी कर ली गई।
दिल्ली के छतरपुर में चीन के बने सामान का दुकानदारों और लोगों ने भी बहिष्कार किया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर कोरोना के गलत आंकड़े बताने का आरोप लगाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ जेल में 24 घंटे में 4 कैदी और 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एमपी के शाजापुर में ऑनलाइन जुए में 2.5 लाख रुपए हारने के बाद पैसों के विवाद में 2 लोगों पर दोस्त की हत्या का आरोप लगा। यूपी के संभल में एक व्यापारी से लूट और हत्या के आरोप में 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। राजस्थान में होटल में रह रहे 121 विधायकों के वेतन भत्ते रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। बिहार के बगहा में बाढ़ से परेशान लोगों ने विधायक रिंकू सिंह के सामने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। गहलोत सरकार ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को आलाकमान से माफी मांगकर पार्टी में लौटने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,840 लोगों को कोरोना हुआ और यूपी में अब तक 1,677 लोगों की इससे मौत हुई। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर सोमवार को प्रदेश की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का फैसला किया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं को राम मंदिर विरोधी बताया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बारिश के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने पूजा पाठ। राजस्थान के पाली में भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं और इसमें एक कार भी बह गई, 4 लोगों को बचाया गया। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने अगले 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,891 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 66,600 के पार हो गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में घर में क्वारंटीन किए गए पति पत्नी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। केरल के एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम के वृद्धाश्रम में 3 और लोगों की कोरोना से मौत के बाद अब सरकार ने राज्य के 577 वृद्धाश्रमों में नियम कड़े कर दिए। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ टीडीपी और सीपीएम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी और संस्कृत थोपने का आरोप लगाया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक ने राष्ट्रपति के समर्थकों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए, उन पर जजों के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। अमेरिका की एक संस्था ने 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 47 लाख के पार हो गई। यूएई ने अपने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब वहां रहने वाले भारतीयों को 2 दिन के अंदर ही अपने पासपोर्ट को रिन्यू किया जाए। अमेरिका के फ्लोरिडा से पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया, जो नेताओं की बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक करता था। दक्षिण कोरिया में कोरोना के डर से लोगों ने नोटों को धो दिया और फिर उसे गर्म करने की कोशिश की, जिससे 100 करोड़ से ज्यादा के नोट जल गए। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में मैक्सिको 3रे नंबर पर पहुंच गया। मैक्सिको में अब तक कोरोना से 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने महात्मा गांधी की याद में एक सिक्का जारी करने की इच्छा जाहिर की। लंदन में लॉकडाउन के दौरान पंजाबी डांसर राजीव गुप्ता ने अपनी डांस क्लास को कसरत में जोड़ दिया, जिससे खुश होकर ब्रिटेन के पीएम ने उनका सम्मान किया। कनाडा के टोरंटो में लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भारत की लोकतंत्र की तारीफ की। इसराइल की राजधानी यरूशलम में हजारों लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए उनके आवास का घेराव किया और पुलिस ने उन्हें वहां से बलपूर्वक हटाया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना के संकट की वजह से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक शहर पर रॉकेट दागे, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने ट्वीट कर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का सम्मान करने की सलाह दी। खाद्य विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने हाथ से बने रेशमी मास्क तैयार किए, जो बाजार में 500 से 4 मास्क का सेट एक गिफ्ट बॉक्स में मिलेगा। वीजा के नियमों में बदलाव कर अब H1B और L1 वीजा की आवेदन फीस को 21% बढ़ा दिया गया, जो अक्टूबर से लागू होगी। भारत में PLI योजना के तहत मोबाइल फोन बनाने के लिए 22 घरेलू और विदेशी कंपनियों ने आवेदन किया, जिसमें 12 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पंजाब की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 1 महीने में 151 LHB कोच बनकर तैयार हुए, जो एक नया रिकॉर्ड है। LHB कोच आम कोच से 1.5 मीटर लंबे और सुरक्षित भी होते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के भी जुड़ने से अब 24 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका अब 15,735 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा।
आरबीआई की अगले हफ्ते 4 से 6 अगस्त के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मैच में आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। मद्रास हाईकोर्ट में विराट के खिलाफ ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली ऐप के प्रमोट करने के आरोप में गिरफ्तारी की याचिका दाखिल की। आईपीएल 2020 में दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ी शामिल होंगे, लिहाजा क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज और श्रीलंका का दौरा स्थगित कर दिया। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आज अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों समेत चीनी कंपनियों से करार तोड़ने पर भी चर्चा होगी। आर्सेनल की फुटबॉल टीम ने एफए कप के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेल्सी की टीम पर 2-1 से जीत हासिल की। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम 4 अगस्त से बेंगलुरु में अभ्यास शुरू करेगी। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के 5वें चरण को कोरोना की वजह से दूसरी बार रद्द कर दिया गया और अब इसके अगले साल मार्च में कराए जाने पर विचार हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी से 4 घंटे पूछताछ की। कंगना रनौत के मनाली वाले घर के बाहर धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमर सिंह के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा, एक महान आत्मा चली गई। मिलिंद सोमन ने योग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। प्रीति जिंटा ने अपने गार्डन का वीडियो साझा किया, जिसमें वो सब्जियां तोड़ती नजर आ रही है।